फिश कालिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कतला फिश का जो चार पीसेस बड़े टुकड़े वाला पीसेस ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी रखे इसको मिक्स करके हमें फ्राई करना है। और मसाला में हमें चाहिए कालोंजी, मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ले लिया है, जीरा साबुत जो आधा टी स्पून लिया है, एक सूखा मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए हमें स्वादानुसार, हल्दी पाउडर है जो आधा टी स्पून है, लाल मिर्च पाउडर है आधा टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है आधा टी स्पून, जीरा पाउडर है आधा टी स्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/4 टी स्पून, और यह है लहसुन का पेस्ट, लहसुन पेस्ट है एक टी स्पून, और अदरक के पेस्ट है 1 टी स्पून, और टोमेटो मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा एक मैंने टोमेटो को प्यूरी कर लिए हैं, और प्याज मीडियम साइज के 2 प्याज को मैंने पेस्ट कर लिए, दरदरा पेस्ट बना रखे, चाहिए हमें सरसों के तेल, और ये है काजू, मैंने 10-12 काजू और 1 टीस्पून किशमिश को भिगो के रखे, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। अगर हल्दी पाउडर रखे थे तो पहले फिश को अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसाला के साथ। अब मैंने गैस ऑन करके इसमें 6 टेबलस्पून ऑयल जो सरसों का तेल है वो मैंने डाल दिए है, और अब इसमें हम फिश को फ्राई कर लेंगे, अच्छे से गर्म हो गया होगा तभी डाल देंगे। एक साइड से फिश अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा तब हमें इसे पलट देना है। फिश फ्राई हो गए तो हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तेल में पहले ये जीरा, कालोंजी और सूखा मिर्च इसको डाल दें, इसमें प्याज डाल दें, प्याज पेस्ट को डाल के थोड़ा सा इसको भून लेंगे। प्याज भून गए हैं तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज अदरक लहसुन सब भून गए हैं तो इसमें ये जो सारे मसाला डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून के और इसके अंदर ये जो टोमेटो का प्यूरी है ये डाल दें और आप थोड़ा सा अच्छे से इसको भूनेंगे। अब 3-4 मिनट हो गए, देखिए कितने अच्छे से मसाला भून गए हैं। तो इसमें ये जो काजू और किशमिश का पेस्ट है ये डाल दें। अब काजू किशमिश के पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने और भून लिए हैं और इसमें जो काजू वाला कटोरी है इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है तो ऐड कर देंगे पानी। ज़्यादा हमें पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ये ग्रेवी वाला फिश करी होते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा अंदाज़ा देख के पानी डालेंगे। करीबन इस ग्लास के मैंने 1 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। ग्रेवी में उबाल आ गए हैं तो हम फिश को इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा ढक के इसको कम गैस पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। कम गैस पे रखेंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं तो फिश को थोड़ा सा पलट देंगे। और इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिला के और गैस ऑफ कर देंगे।
गैस ऑफ कर दी। फिश कालिया अब बिल्कुल रेडी टू सर्व है। इसे आप गरम राइस के साथ सर्व कीजिए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बंगाली डिश है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आप इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे ऐसे न्यू और इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के जो रेड बटन दिख रहे हैं आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बेल बटन आएगी और बेल बटन को आप क्लिक करेंगे तो जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं।